अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ना आपके कोई नियम बने हैं, ना आपके कोई पंजीयन के नियम लागू होते हैं, तो दिक्कतें तो हैं। आप बात है कि सरकार जब फ्रेम करेगी पॉलिसी तब तक फल नहीं आता, तब तक शांतिपूर्ण हम लोग चलते रहो इतना रास्ता करें। कोई आपने भू अधिकार के अंतर्गत तो सारे के सारे टोकन दिए क्यों? दूसरा बिंदु वर्कआउट होने के बाद में कितना प्रतिशत काम हो गया है, ये 140 का मेरे को टेबल चाहिए अगली टीम। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। समय क्या समस्या लेके आए थे आज? हम गांव मिम्से से आए हैं, हम यह समस्या लेके आए हैं कि हमारा गांव आबादी में नहीं है, और दूसरी बात कि हम जो गांव से बाहर काकड़ पे रहते हैं वहां हमको गांव में शामिल किया जाए, और तीसरी बात है हमारे गरीबों के पास पट्टा नहीं है, हमारा पट्टा बनवाया है। कितने सालों से आप रह रहे हैं वहाँ पर? करीबन 30 साल। और कितने परिवार होंगे? अच्छा, क्या क्या समस्या आती है अभी आप आबादी में नहीं है, ग्राम आबादी में क्या क्या समस्या? बहुत सारी है हमारे पास, स्कूटी नहीं है, नाल में पानी नाली नहीं है, किसी के पास पट्टे नहीं है, किसी के पास स्कूटी नहीं है, किसी के पास राशन नहीं, बहुत सारी समस्या। अच्छा, जो आपका गांव है वहाँ पे आपने बात की थी किसी अधिकारी या प्रतिनिधि से? किसी नेता वगैरह से बात करी थी कभी? नहीं, नेता। अच्छा, कौन से पंचायत माता है बता आपको? खजूरिया माता। तहसील क्या लगती है? तहसील देवास लगती है। ठीक है, आपका नाम बता दो। आप पहुँचे थे यहाँ पर, क्या समस्या लेकर आए थे? हम गांव भरेली से आए और हमें गांव में छुआछूत का मामला है, और तो साथ में जो हमारे हजार वर्ग हैं उन लोगों को सार्वजनिक जो सुविधाएं रहती हैं या पंचायती लाभ रहते हैं वो भी नहीं मिल रहा है, इस कारण हम गांव से गांव भरेली जैसे टोंकपुर से जिला देवास से पधारे हैं। श्री कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, इसमें साफ सफाई का और जातिगत भेदभाव के अंतर्गत आता है। अगर हमारे साथ में इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण नहीं हुआ तो हम भीम आर्मी के बैनर नीचे बहुत बड़ा आंदोलन करने के लक्ष्य में जल्द से जल्द करेंगे। अच्छा, किस प्रकार का वहाँ छुआछूत देखने को मिल रहा है आपको, क्या क्या साथ में से? गाड़ी नहीं बनाई जाती है, जिससे भी बनाने की बात है, सार्वजनिक बने हैं वहाँ पर नहीं बना, सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे अनुसूचित जाति का मोहल्ला है तो वहाँ साफ सफाई नहीं है, नाले निर्माण नहीं है, रोड का काम रोक दिया गया है, कूड़े हैं, पूरी तरह से अव्यवस्था है, सड़क पर फेंकने के लिए कचरा, कचरे कूड़े मतलब कूड़े डालने के लिए हमारे पास जगह भी नहीं। अच्छा, ये पंचायत द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है ऐसा? पंचायत द्वारा, और ये छुआछूत का मामला है ये गांव वाले के लिए। अच्छा, गांव वाले लोग इन नाई लोगों के साथ में या अन्य वर्ग के लोगों के साथ में और वो संगठित होकर हमारा शोषण कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कब से आ रही है समस्या?
हम जब से समझदार हुए तब से हम लड़ रहे हैं। ये लगभग हम 2012 से ज्ञापन देते देते थक गए हैं और ये आखिरी थे, इसके बाद हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कितने आपके अनुसूचित वर्ग के लोग हैं वहाँ पर? कितने? 650 वोटिंग है और लगभग 1000 के समथिंग जनसंख्या है हमारी। ठीक है, आपका नाम बता? रामसाथ परमार। कौन से गाँव से आए? खरेली, तहसील टोकपुर जिला के पास।